Hey everyone, good morning, जय माता दी. वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रभाकर व्लॉग्स. तो गाइज आज ना हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं दिन में, सुबह से नहीं हुआ क्योंकि आज ना मेरी थोड़ी तबीयत ऐसे ही लग रही थी. तो अभी बज रहे हैं 12 और बेचारी अभी श्वेता आई तो इसने हेल्प करवाई, आटा गूंद के दिया और रोटियां भी बेचारी इसी ने बनाई. तो अभी अभी हमने ब्रेकफास्ट किया और आज मैं आपको बता दूं, आज है बहुत इम्पोर्टेंट दिन. आज इनका बर्थडे है लेकिन हम सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि घर पे ना कोई भी नहीं है. साहिल भी अभी दिल्ली में है, तनु भी अभी गए हैं कहीं और मम्मा भी ऑफिस चले गए हैं. वो तो आ ही जाएंगे शाम को लेकिन फिर घर पे साहिल भी तनु भी अभी नहीं है तो ऐसे ना मन नहीं कर रहा है. और साथ में हमने साहिल भैया का भी नहीं बर्थडे सेलिब्रेट किया था, मम्मा का भी नहीं किया था, तो इनका हम बाद में इकट्ठे एक साथ सेलिब्रेट करेंगे. तो गाइस मैं आपको बता दूं, आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करना और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना. तो आज मैं आपको बताती हूँ मैं बना रही हूँ दम आलू क्योंकि इनके ना दम आलू फेवरेट है. और इसके बाद हम केक बनाएंगे. आज पता क्या हुआ, मैंने मीनाक्षी को भेजा बिस्किट लाने तो वो एक शॉप पे गई तो वहां पे शॉप ही बंद थी क्योंकि आज मंडे है तो मंडे को उधमपुर बंद रहता है तो बिस्किट ही ना मिले उसको. और घर पे भी एक दो पैक ही है तो एक दो पैक कितना इतना सा बनना है तो वो फिर कैसे मैं डिवाइड करूंगी. तो फिर मीनाक्षी को हमने दूसरी दुकान पे फिर से भेजा, बेचारी इतनी धूप में गई और अभी अभी उसने बिस्किट ला के दिए हैं. लेकिन इनको पता नहीं है कि मैं केक बनाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मतलब इनको कोई उम्मीद नहीं कि कुछ बनाएगी ऐसे ऐसे. सो पहले मैं ये दम आलू फ्राई कर लेती हूँ. आलू सिंपल मैंने छील के रख दिए थे और वो इनको प्रिक करके रख दिए तो अभी इनको फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद वो करेंगे जो भी इनका मसाला वगैरह है उसमें मिक्स करके वो कर देंगे. और चावल बनाऊंगी मैं बाद में जब मम्मा आएंगे उसी टाइम गरम गरम बनाएंगे. और बाकी खाना शाना बहुत कुछ बनाना है आज लेकिन वो बाद में मैं आपको बताती हूँ कि आज हम क्या क्या बना रहे हैं. तो जल्दी जल्दी मैं ये फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद केक बनाते हैं. तो मैं आपको बताऊंगी आज की मैं केक कैसे बनाती हूँ. ये ना मैंने दूसरे वाले आलू लिए रेड वाले, इसके दम आलू ना बहुत अच्छे बनते हैं तो अभी मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ. वैसे थोड़े थोड़े रेड रेड हो रहे हैं लेकिन इनको डार्क रेड करना है तो पहले मैंने इनको ना स्लो फ्लेम पे किया तो अभी थोड़ा हाई फ्लेम पे कर रही हूँ बस ये जल्दी से हो जाए. और साथ साथ में ना केक की प्रिपरेशन कर लेते हैं क्योंकि हाँ. उसके लिए भी टाइम लगेगा तो मैंने किसी को भी नहीं बताया, सिर्फ श्वेता को भी ना अभी पता चल रहा है. जब मैंने बोला ना कि ये मुझे ना केक बनाना तो श्वेता मेरे को ऐसे करके देखती इसको लगता है इन्होंने ना ऐसे बिस्किट मंगवाए हैं. तो बिस्किट का केक बनाऊंगी मैं. तो अभी हम बिस्किट वो कर लेते हैं, मैश कर लेते हैं अच्छे से. तब तक हमारी आलू हो रहे हैं साथ साथ में काम हो जाएगा तो थोड़ा हमें भी फ्री टाइम मिल जाएगा. तो ये बिस्किट मीनाक्षी बेचारी लेके आई है. ये कौन सी बिस्किट है? ये टाइगर बिस्किट लेके आई है. इसका ना केक बहुत अच्छा लगता है. तो अभी इन आलू में मैं अच्छे से ये मसाला मिक्स कर दूंगी और उसके बाद कुकर में डाल के एक दो घिसे लगवा के दम आलू हमारे रेडी. तो मुझे ना दही वाले दम आलू ना पसंद नहीं है तो मैं दही वाले बनाती ही नहीं हूँ. मुझे बस यही पसंद है सिंपल सिंपल. इसको बोलते हैं कश्मीरी दम आलू. साथ साथ में मैं श्वेता को सिखा रही हूँ सीखे. अभी ये बिस्किट अच्छे से ग्राइंड करके इसमें दूध और चीनी वगैरह सब मिक्स करके थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिया और अच्छे से ना मैंने इसको फेंट लिया. तो अभी इसमें ये मैं इनो डाल दूंगी और फिर कोई 5 मिनट के लिए ऐसे रख दूंगी और उसके बाद इसको बनाना है. हम बनाएंगे विदाउट ओवन क्योंकि ओवन नहीं है हमारे पास तो बिना ओवन के बनाएंगे आज सिंपल कढ़ाई में. तो ये इनो डाल दिया मैंने अभी इसमें. तो अभी इसको भी ना अच्छे से वो मिक्स करेंगे, ज्यादा नहीं फेंटेंगे बस नॉर्मल थोड़ा सा. ये इसके बीच अच्छे से मतलब मिक्स हो रहा है. ये बैटर अब भी फूलने लगा नीचे. बस अभी मैं इसे कोई 5 मिनट के लिए ऐसे रखूंगी
इसको ढक के। अब ये बन रही है लस्सी, क्योंकि गर्मियों के टाइम में ना खाने के साथ लस्सी हो तो मजा आ जाता है। इसमें मैंने जीरा, पुदीना और नमक, साथ में चिली फ्लेक्स, तो बहुत मजा आने वाला है। आज श्वेता को मैं लस्सी भी लाऊंगी। लेकिन श्वेता एक बात का ध्यान रखना, ये हमारा देसी ओवन नहीं देना चाहिए क्योंकि ये मैं नहीं चाहती हूँ ये मेरा देसी ओवन किसी को दिखे और फिर मुझे इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कमेंट्स आए जिनको पढ़ के मेरी हंसी ना रुके तो ये हमारी लस्सी हो गई है रेडी, तो अब ये जाएगी फ्रिज में। तमालू बनके हैं तैयार, ये मैंने बना दिए और अभी रहते हैं चावल बनाने के लिए, तो अभी मैं चावल बना लेती हूँ। और वैसे हमारे देसी ओवन में हमारा केक बेक हो रहा है, तो मैं थोड़ा देर ही बोलती हूँ, इनको ना पता चल जाए क्योंकि इनको बताया नहीं हमने, तो सरप्राइज ही समझ लो, सिर्फ मेरे को श्वेता को बता। तो अभी मैं ये दम आलू इसको ढक्कन लगा के रख देती हूँ और उसके बाद चलते हैं चावल बनाने। अभी ना हमारा खाना शाना बन गया, मतलब सब्जी दम आलू हमने बना दी, तो चावल बन जाएंगे वो चढ़ा दिए हमने, और केक अभी बन रहा है तो वो हमने फ्लेम ना स्लो कर दिया दोनों, तो अभी हम थोड़ी सी ना रेस्ट कर लेते हैं, इतनी ज्यादा थकावट हो गई है, बुरा हाल हो गया। हम 11:30 बजे खड़े हुए थे और अभी 2 बज रहे हैं, तो अभी सबसे पहले हम रेस्ट कर लेते, नहीं तो ना उठे नहीं जाएगा। और मैंने तो वैसे भी कॉम कल की भी नहीं की हुई है और आज भी नहीं की है, तो बाद में देखते हैं कॉम का, मेरे से तो उठे भी नहीं जा रहा था। आज दिन में पता क्या हुआ, हमें इतना ज्यादा काम था और इतनी ज्यादा थकावट हो गई था ना, और हम खा पी के सो गए, और ऊपर से हमारे घर में गेस्ट आए थे तो फिर उनके साथ थोड़ी बातचीत की, और उसके बाद तो हमें कोई दिन दुनिया का पता ही नहीं था। और टमाटर हमारे इतने यम्मी बने थे, मुझे बस थोड़ा सा ना उसमें नमक कम लगा, बाकी सब ठीक था। लेकिन बाकी घर वाले सारे कह रहे थे कि सब कुछ ओके है, लेकिन मुझे थोड़ा नमक ऐसे ही लग रहा था। तो अभी हमारी रात के डिनर की तैयारी हो रही है, तो आज हमारे डिनर में बनेगा, ये खमीरे के लिए आटा गूंद रही हूँ मैं, और सब्जी अभी तक कोई डिसाइड नहीं है, वैसे करेले या भिंडी बनेगी तो वो बाद में देखते हैं। और अभी ये मैं खमीरे बनाने के लिए आटा गूंद रही हूँ, और मतलब जितनी तबीयत मेरी सुबह खराब थी ना, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं आज कुछ भी कर पाऊंगी। तो माता रानी के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है, और ऊपर से बेचारी श्वेता इतना काम करवाती है, थैंक यू सो मच श्वेता। थैंक यू ना बोला करो मुझे, ऐसे अच्छा नहीं लगता, थैंक यू नहीं बोला करो, डांट लिया करो। हाँ सही बात है, डांट लिया करो, थैंक यू नहीं बोलना है ना। हाँ थैंक यू से बराया सा लगता है। तो अभी ना हमने जो केक बनाया था वो मैंने श्वेता के फ्रिज में छुपा के रखा, मैं धीरे धीरे इसलिए बोली हूँ क्योंकि मम्मा अपने रूम में है तो फिर उनको भी सुनाई देगा और साथ में अगर इन्होंने भी सुन लिया तो फिर प्लान सारा फ्लॉप हो जाएगा ना। और ये अभी जा रहे हैं, इनके फ्रेंड्स की कॉल आ रही है, जा रहे हैं उनके साथ घूमने, तो जब ये आएंगे तो हम तब वो करेंगे केक चेकअप कर लेंगे इनको, नहीं तो अभी तक तो इनको यही लग रहा है कि हाँ इसने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। मैंने पूरा ब्लैंक हो कि मैंने कुछ नहीं किया, तो जब ही आएंगे तब देखेंगे, अभी बस चुप रहो बस हमें ही पता है। हाँ ये धोखेबाज लोग ये सच में बहुत बड़े धोखेबाज लोग।
हमारे ये बनना स्टार्ट हो गए हैं खमीरे। आटे से ना इतनी अच्छी खट्टी खट्टी खुशबू आ रही है, आटा बहुत अच्छा हो गया है। तो अभी हम थोड़े से खमीरे बनाएंगे क्योंकि इन्होंने भी श्वेता उन्होंने खाना खा लिया, हमें पता ही नहीं था, बड़ी जल्दी खाना खाती है। और ये मैं बना रही हूँ गणपति के लिए क्योंकि सबसे पहले भगवान जी के लिए बनाते हैं, तो मैंने ये बना दिया। और ऊपर से ये भी चले गए अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने, तो ये पता नहीं कब आएंगे। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, मैंने वैसे इतना ज्यादा आटा गूंद के रख दिया था। और फिर जब सुबह अगर बनाने होंगे ना तो फिर अच्छे नहीं बनेंगे। तो भी जिस तरह से बनते हैं मैं थोड़े से बना के रख देती हूँ, और साथ में भिंडी बनाई क्योंकि करेले बनाने के लिए ना बहुत सारा टाइम चाहिए, तो इतना टाइम मेरे पास था वैसे पर हिम्मत नहीं थी इतनी। तो करेले बनाएंगे हम, कल देखेंगे करेलों का क्या करना है। तो ये मैंने इतनी सी पूरी बनाई है, इतना सा खमीरा बनाया, इतना सा ये पूरी डाल रही हूँ मैं सबसे पहले। देना कैसी फूली रही है, फूली रही है, आटा हो गया मतलब गोल गोल। हम जब छोटे छोटे थे ना तो मम्मा को बोलते थे मम्मा इतनी सी खानी है, हमें इतनी सी बना के दो छोटी छोटी, क्योंकि बच्चों को छोटी छोटी चीजें बड़ी पसंद होती है। हाँ। पानी पूरी लग रही है, पानी पूरी। तो किसी को पानी पूरी खानी है तो वो खा सकता है, लेकिन ऑयल बढ़ने वाला श्वेता पे बच गई। तो ये सबसे पहले जाएगा भगवान के लिए, गैस पे जाएगा ये बस। अरे अमित भैया उन्होंने ना बताया ही नहीं, उल्टा मतलब हमने सोचा था कि इनको सरप्राइज देंगे और उल्टा हम ही सरप्राइज हो गए। चंद्रा जमाना आ गया यार, मैंने सोचा था कि मैं सरप्राइज दूंगी इनको, इनको पता नहीं चलने दूंगी, मैं सुबह से प्लानिंग कर रही हूँ और आगे से मैं ही सरप्राइज हो गई। भाभी को लगा बस भाभी सरप्राइज दे सकती है। लेकिन मैं गलत थी। हाँ। खुद ही सरप्राइज होना ये भी एक अलग फीलिंग है। तो ये डाल रही हूँ मैं बड़ा खमीरा, अब बस ये भी ऐसे ही फूल जाए, मजा आ जाए, तो देखने वाले को मजा आ जाए, खाने वाले को तो आएगा ही आएगा, देखने वाले को भी मजा आ जाए। और साथ में गाइस अगर आपने ना मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, मेरी डेली ना नई नई रील्स आती रहती हैं। तो मैं इंस्टाग्राम की अपनी आईडी मेंशन कर देती हूँ, तो आप मुझे वहां जाके भी फॉलो कर देना। तो फिर अभी हम फिलहाल ये खमीरे बना लेते हैं, नहीं तो जैसे हमने कन्या पूजन किया था ना मेरा ध्यान वीडियो की तरफ था और पूरियां मेरी सड़ रही थी, तो अभी मैं अच्छे से ये पूरियां बना लेती हूँ। पूरियां नहीं यार, भू जाती हूँ, खमीरे बना लेती हूँ। तो अभी खाना हमारा रेडी है, सब्जियां भी बन गई हैं और खमीरे भी बन गए हैं, तो अभी हम कर लेते हैं डिनर। और ना मुझे पूरे पसीना पसीना आ गया, तो अभी से थोड़ी देर में 5 मिनट बैठे रेस्ट कर लूँगी, तब तक इनको डाल के दे देती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वैसे हमने ज्यादा पार्टी वार्टी नहीं की है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि घर पे नहीं है कोई भी, सो अभी हम पार्टी बाद में करेंगे जब साहिल भी अभी आ जाएंगे दिल्ली से। तो इस व्लॉग को रखती हूँ मैं यहीं तक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब। तो फिर गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।